तो आप लोगों को बताइए कि मेरी कमजोरी गोलगप्पे है। मुझे कही दीदी आप वही हो जिसे बर्गर खिलाया था। कितने गोलगप्पे खाने बोलू? मैं तो खाती नहीं बोलू। सेंसिटिविटी हो रही है। बोलू गोलगप्पे के लिए आई थी, दो गोलगप्पे के लिए और कुछ रह गया तो बता। पूरी रेडी के गोलगप्पे खा सकते हैं। मैं तो गलती से बोल दिया, 9-10 खा चुकी है। तो गाइस अरमान न्यूज रिपोर्टर पहुँचा है कृतिका मलिक के पास। किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं। आवाज में वाइब्रेशन आ गई है। यहाँ पर होने वाला है महासंग्राम। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई यहाँ पे चल रहा खाना पीना पायल का पूरा, और आज है हमारे बच्चों का बर्थडे और उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है पायल ने। क्या प्लान किया भाई? पहले जैद का स्पेशल प्लान किया, उसके बाद अयान जैद तुबा तीनों के लिए। अच्छा। क्योंकि भाई के बर्थडे में शरीक तो होगा ना, तो सेम कपड़े पहन रहे हैं और पूरी डेकोरेशन कराई है। डेकोरेशन दूसरे घर में कराई है, इधर नहीं कराई। वो दिखा दो, दिखा दो। जाओ बेटा आप कपड़े लेके आओ। तो गाइस जिसने अब तक व्लॉग नहीं देखा अरमान मलिक पे जाके देखो हमने कैसे वेलकम किया जैद का। बाहर की थोड़ी डेकोरेशन वो भी दिखा देता हूँ। ये पायल का प्लान था, मेरा हम सबका ही था, आपका भी था, ऐसे मत बोलो, मेरा था, हम सबका था। तो जैद की वेलकम की तैयारी थोड़ी ऐसे कर रखी थी हमने, और जिसने अब तक वो व्लॉग नहीं देखा आप जाके अरमान मलिक पे देख लो, बहुत अच्छा लगेगा। एक स्पेशल मोमेंट थी, 8 दिन के बाद जैद घर आया और हमें भी अच्छा लगा, और बाहर का माहौल कुछ ऐसा। तो चारों तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि 8 दिन के बाद जैद घर आया है, और आज 8 महीने के दोनों बच्चे हो गए हैं, कृष्णा और तूबा दोनों। और चीकू यहाँ बॉक्सिंग कर रहा है आज। चीकू घोड़े से गिर गया था तो वो भी एक थोड़ा सा अफसोस का विषय है क्योंकि बहुत जोर से गिर गया था। हाँ भाई लड़के बोलू, अब इसको ना पैक करके रख, बाहर मत घुमा, 4 दीवारी में रख अंदर, थोड़ा बहुत इसको बाहर घुमा। ये देख ठीक है, ठीक है, ज्यादा बाहर नहीं घुमा रही, अभी थोड़ा सा बाहर घुमा रही बस। इसका भाई कहाँ जा रहा तू? मैं पापा अपने नए कपड़े लेने के लिए। आज सब बच्चों ने नए कपड़े पहने ना, बर्थडे है ना। हाँ। तो तीनों बच्चों के तो मैं सुबह ले आई थी पर वहाँ पे चीकू का साइज नहीं था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं लेकर नहीं आई। तो अभी लक्ष्य को बोला इसको जाके केक लेके आएगी इसके लिए और कपड़े दिलाएगी। तो गाइस कल से आपको बहुत ही स्पेशल ब्लॉग मिलने वाले हैं। ये लगा लो हम जाने वाले हैं टूर पे, मैं और पायल, सूरज भाई और 4-5 हमारे टीम के मेंबर होंगे। गोलू को हम घर छोड़ने वाले हैं, गोलू को हम नहीं लेके जाएंगे जब तक जैद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि गाइस चीकू की छुट्टी है और हम चाहते हैं चीकू कहीं भी ज्यादा घुमा नहीं है, तो इसको हम घुमाना चाहते हैं क्योंकि बच्चों के बीच में ना इसको बहुत ज्यादा वो हो गया, निगलेक्ट हो गया ना। तो क्या होगा ना, बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने ले ली है कैरावैन, और कैरावैन का कल टूर करवाने वाला हूँ, और कैरावैन में ही हम सोने वाले हैं, खाने वाले हैं, नहाने वाले हैं, मतलब मजेदार बने। यार हमें मार्केट भी जाना है, सामान लेके आना था कैरावैन के लिए। क्या लेके आना? कल ही ले आएंगे, अभी कल ले आएंगे। कल तो कल निकलना है तो आज जाना पड़ेगा। अरे वहाँ कॉस्मो बोलू चलेगी तो इसको लेके चलते, कॉस्मो चलते, कॉस्मो में बहुत सारा सामान मिल जाएगा, तो अभी चलना पड़ेगा। तो अभी मैं है ना मम्मी घर पे है अभी, तो मुझे 5 मिनट दे, मैं कपड़े चेंज करके आती हूं। मैं भी साथ में ले, यही पहन ले कंफर्टेबल, 5 मिनट में आ जाओ। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और आज पहली बार तीनों एक साथ शॉपिंग करने वाले हैं। शॉपिंग क्या करने वाले? जो हम टूर करने वाले हैं उसकी शॉपिंग करने वाले। एक तो ना सबसे पहले तो मेरे लिए ना वो आंख का कपड़ा लियो क्योंकि गाड़ी में लाइट जलेगी। मैं समझ गया आप क्या मांग रहे हो, ये मांग रहे आई मास्क, वो तो अपने बजट से बड़े हैं, इतने सारे पड़े पापा, 4 पड़े टोटल, और उसके साथ साथ ना कैप ले लेना। वो वाली जो अम्मा जी ने कैप नहीं दी थी, सुन तो ले, रात में ना कैरावैन में होगी ठंड, कैप और पूरा से पैक करके सोना पड़ेगा। अम्मा जी ने कैप नहीं दी थी, वो यहाँ वाली और यहाँ वाली वो रख लूंगी। अरे आपके लिए इतनी जबरदस्त शॉल लेकर आए ना, हम देखना शॉल से कुछ नहीं होता इतनी ठंडा वहाँ। तो गाइस पायल को इस सीटें बहुत ज्यादा मजेदार लगी, थोड़ा सो के दिखा दे। ये देखो पायल जहाँ तेरी कमर है ना वहाँ बीच में तकिया लग जाएगा, गैप नहीं होगा ताकि ये गैप का ना आए। और देखो मैं आराम से गुड्डू इसमें, तो मेरे को आप 1200-1300-2000 किलोमीटर चला दो, मैं चला। और आप मेरे साथ, मेरे को तो ना 5000 किलोमीटर पे भी ले जाओ। ये सोचना तेरे बीच में पाल कोई आएगा नहीं, अपने आराम से लेटी रहो। हाँ हाँ, और सबसे अच्छी बात है चीकू ना पूरी उसमें पसर जाता है। अब चीकू को बोलूंगी सोना तो पीछे जा, और सुन पूरा पीछे कर देना, यहाँ पे अपना खाने पीने का सामान भी, यहाँ पे अपना पर्स रख दूंगी। स्पेस कितनी आगे, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत स्पेस है, एक बच्चा तो यहीं बैठ जाएगा। काम तो मैं ठीक ही करवाता हूँ, काम अच्छे करवाता है गुड्डू, बहुत ढूंढ के अपनी सीट लगवाई, मजेदार है मजेदार। और देख हैंड रेस्ट भी कितना, हैंड रेस्ट भी सबसे, आपको पता है सबसे अच्छी नींद इस पे आती है, ऐसी ऐसी बहुत अच्छी नींद आती है सोने में। तो गाइस इस ना सीट की मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ, मतलब बहुत महंगी महंगी सीट थी, मतलब ऐसे में ना सोफे वाली सीट भी थी पर उसका कपड़ा अच्छा नहीं था उसमें, मतलब वो भी था मसाजर वसाजर लेना देना, मतलब मैंने ये दोनों सीटें ना ये लगा लो आप यकीन नहीं करोगे 25,000 रुपए में लगवाई है, और जो उसकी बीच वाली सीट थी मैं वापस ले आता, और वही सीट मैंने कहीं और पता की थी, मतलब की थोड़ी मसाजर थोड़ा फॉर्मेलिटी लेना देना, वो सीट मिल रही थी मुझे कम से कम ये लगा लो 3.5 लाख रुपए की। बहुत अच्छा, बहुत फायदे का काम करा गुड्डू आपने, कभी कभी दिमाग सही चला लेते हो आप। ओ दिमाग चला, जब तुमसे शादी की है बात भी सही है, और दोनों को इक्वल रखो। 25,000 रुपए
मोबाइल दोनों सीट है 9,000 रुपए की, ये कवर लगे बस सेम सीट हो गए यार, सब बहुत सस्ते में काम कर दिया। अब ये लगा लो सेम है दोनों सीट, दो दो पीछे वाली सीट है ना, ये इनोवा की सीट है बल, पता लोगों को। अच्छा ये जो पीछे है जो जहाँ तुम बैठे हो, अच्छा ये लोगों को ना चीजें तो करवानी होती पर उनको पता नहीं होता कहाँ से कराएं कहाँ से कराएं और सही रेट में कहाँ से करवाएं। कल जब मैं आपको कैरावैन का टूर दूंगा ना, और एक खुशखबरी और है जो कैरावैन की, एक मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया, आने वाले टाइम में कैरावैन में डील करने वाला हूँ, और आप एक बार देख लो, मैं एक महीने का टूर करूंगा उसके बाद ही मैं, मतलब मुझे बहुत मैसेज आने वाले हैं कि हमारी बनवा दो हमारी बनवा दो, हम उसके ऑर्डर लेंगे बाद में, पहले मैं खुद एक्सपीरियंस कर लूं कैरावैन को लेके। क्या बोलता सूरज? तो मेरी जगह ना मैं तो खाती हूं गोलगप्पे, अब उन बच्चों को खिला दो, बच्चों सारे आगे बात क्या है, गोलगप्पे खाने कुछ और खाना है, ये सब कुछ क्या खाओगे, गोलगप्पे टिक्की भल्ले गोलगप्पे भैया सबको टिक्की दे दो। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी कमजोरी गोलगप्पे है, गोलगप्पे और गोलू और पायल है। मुझे कही दीदी आप वही हो जिससे बर्गर खिलाया था, उस टाइम बर्गर वाली जगह पे होंगे ना, मैं वही हूँ। सब पहचानते पायल तेरे को, तो एक ना चप्पल नहीं पहन रखी क्षण में, चप्पल क्यों नहीं पहनी आपने, चार के पास है कैरन नहीं मिल रही। कितने गोलगप्पे खाने बोलू? मैंने बोला एक सूजी का एक आटे का, एक सूजी का एक आटे का, फिर एक सूजी का एक आटे का, मैं वैसे उतरी एक गोलगप्पा खाने थी, मैं तो खाती नहीं बोलती। फिर भी खा लेगी, एक आधा खा लूंगी टेस्ट के लिए। तो भाई भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि जब भी हमें कोई दिखता है कि जिसकी हम हेल्प कर सकें तो उनकी हेल्प मैं जरूर करता हूँ, पायल मेरे से ज्यादा करती है, मैंने बोला भगवान ने हमें इस लायक बनाया। अरे मैं दिखाती हूँ अभी हुआ क्या, इधर आओ उसे चलो, ये बच्चे ना यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने देखा पांच बैठे और ऐसे सबकी, यहाँ टीवी लगा हुआ प्रमोशन के लिए है, तो यहाँ पे टीवी देख रहे थे, मैंने कहा अभी टीवी देख रहे तो साथ में स्नैक्स भी होना चाहिए खाने के लिए, तो मैंने बुला लिया सबको। पायल एक बात तो है, ये सोचना कि आज बच्चों का जन्मदिन हम इनको पार्टी दे रहे हैं। ये भी है, तुबा अयान और जैद घर आया है उसी खुशी पे पार्टी। गोलू तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, जल्दी एसिडिटी होगी तेरे को। तो मेरे को एसिडिटी पता क्यों हो रही है, क्योंकि ना बहुत दिन से ना बे टाइम खाना खा रहे हैं, दोपहर को खाना खाना था, दोपहर के खाने की जगह मैंने अब आधे घंटे पहले खाया एक रोटी, तो इसलिए एसिडिटी हो जाती है। मैं ये सोच रही हूँ जो हमें कैरावैन के लिए सामान लेना है वो कल लेते हैं, हम घर चलते हैं और बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पाल कल तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा, टेंशन मत ले, मैं बताती हूँ क्या, मतलब मुझे रात को पैकिंग करनी पड़ेगी, मैं हूँ ना, टेंशन मत ले, मैं बताती हूँ क्या करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे जहाँ पे हम जा रहे हो डी कैथलन जा रहे हैं, वहाँ से फटाफट सामान ले लेंगे, घर आ जाएंगे और फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और मुझे ये बता दो उसमें बर्तन है कि बर्तन भी रखने हैं, बर्तन वो क्या रहता है मैं पूछ लेता हूँ, क्या हुआ गोलू पाल ये वाला खा, सेंसिटिविटी हो रही है, एक तो खा ले वाला है, पेट भर गया एक खा ले, आप कह रहे हो तो खा रहे हो, तेरे को मेरे सुहाग की कसम, मेरे सुहाग तो आप तभी तो कह रहा हूँ खा ले। गोलगप्पे के लिए आई थी, दो गोलगप्पे के लिए कितने खाया, नौवा खा रही है, एक बार खिला दो, एक काम करो थोड़ा हिंग थोड़ा खट्टा मीठा एक गोलगप्पे में, और कुछ रह गया तो बता, नहीं अगर एक आधे घंटा यहाँ खड़ी रही ना पूरी रेडी के गोलगप्पे खा सकते है, कई दिन बाद खा रही है ना, मैं तो गलती से बोल दिया 9-10 खा चुकी है, कह रही है 10 खाए हैं, मजा आ गया बता, बड़े आज दिन आज ना क्या हो रहा है, एक तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और खुशी से मुझे भूख लग रही है और भूख से मुझे गोलगप्पे मिल गए तो मैं ही ज्यादा खुश हूँ। तो गाइस अरमान न्यूज रिपोर्टर पहुंचा है कृतिका मलिक के पास, ये देखो ये मैं अभी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, देख रहे हो 10 दिन हम लोग बाहर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है पीछे से ना मोटी ना हो जाए, कोई बात नहीं शादी तो हो ही गया, अब इसको मोटी हो या पतली क्या फर्क पड़ता है, नहीं नहीं फर्क पड़ता है, मेरा दिल दुखता है जब मुझे कपड़े नहीं आते ना, आज पायल ने मिल लिया, देखो मैं ज्यादा दिन नहीं हूँ, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा और 2-3 दिन तक चीजें सारी ठीक कर लियो, फिर हम जल्द चलेंगे लंबे टूर पे। हाँ तो वैसे यहाँ पर ना टेंट देख रही है, ये ले लो ना टेंट, हमारी पूरी फैमिली के लिए मजा आएगा, सारे इकट्ठे रहेंगे, पूरी फैमिली में सिर्फ तुम 3 ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, इन लोगों ने तो लगा रखा है और ये हमें लगाना कितना मुश्किल होगा पता है, बहुत मुश्किल होता है। अरे मुझे ये याद है एक बार आपने हमें टास्क दिया था ठंड में, याद है नदी के पास, नदी के पास, और हमने कितनी मुश्किल हुई थी टेंट वेंट लगाने में। तो पायल एक बात बताऊं तुझे, बर्फ ना बहुत ज्यादा होने वाली है, तो मुझे बर्फ वाले जूते ले ले, ग्लव्स ले ले, मोटी मोटी सॉक्स ले ले, और क्या लेगी, और टोपी, और टोपी और ऐसी वाली टोपी लूंगी बंदर वाली, और सुनो डंडा भी तो होना चाहिए बर्फ को उठाने के लिए, अरे खुरपप्पा ले ले, खुरपप्पा वो ले लेंगे चलो। ये तो पूरा चेंज हो गया गुड्डू, हम लास्ट टाइम ऐसे आए थे ऐसा नहीं था ना, डीकैथलन का आने लग गया ना मोटे पैसे, इसलिए चेंज कर दिया सब कुछ, पूरा चेंज हो गया। तो गाइस अभी अभी ना एक चमत्कार हो गया, हमारी आंटी जी मिली हमें, और आंटी जी ने आवाज सुन के पहचान लिया, ये उधर पीछे से आई मेरे को आवाज सुनाई दी, और पीछे थे क्योंकि क्या होता है ना आप सारे हमारे ब्लॉग टीवी में फोन देखते तो सबको हमारी है ना, अच्छा जी बर्फ कैसे है वहाँ, अभी नहीं पड़ी, अभी नहीं पड़ी ये जा रहे हैं ना शिमला घूमने, शिमला घूमने जा रहे हैं ना, हमारे पास आइएगा जरूर फिर। तुम मेरे से जब शॉपिंग करने आती ना ये चीजें मत किया कर, ये वो मेरे दिमाग से चला कर, मैं गई बाहर मैंने बोला कि आई वांट सम पर्सन जो हमें असिस्ट करे, ये क्या कर रही है, सुन लिया तेरी बात, बस मुझे बताया अपने लिए क्या क्या चाहिए, नहीं किसी की असिस्टेंस की
की जरूरत नहीं, वो हमें ज्यादा अच्छे समझाएगा ना। एक बार एक्सप्लोर तो करो क्या क्या है, क्या क्या नहीं, खड़े खड़े थोड़ी होएगा। चलो वो आ गए देखो। हाँ जी गोलू जी थोड़ा बताओ क्या है। अब मैं सिस्ट मेरे को करना पड़ेगा लग रहा है। ये बैग है बड़े बच्चों का, ठीक है, मतलब हमारे जैसे का, तो इसमें हम आ जाएंगे। पर अगर हमें कैंपेनिंग करनी हो, कैंप लगाना हो, तो हम कैंप के अंदर इसके अंदर घुस के सो सकते हैं। और यहाँ पे ना 10 डिग्री 20 डिग्री इनमें 15 डिग्री सब लिखा हुआ है। ये बाद में देखते हैं, पहले और चीजें देखते। तो मैं ये वाली चेयर ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे खाना वाना बनाऊंगी तो आप लोग बाहर बैठ के मेरी हेल्प करना, ऐसे काटना। 5 ले लो। और मैं सोच रही हूँ एक ना ये भी लेती हूँ। ये क्या, ये देखती हूँ क्या है, पता नहीं मुझे क्या है। अच्छा ये भी चेयर है गुड्डू, ये अलग टाइप की चेयर है। ये बॉस चेयर है, ये मेरे लिए ले लो। ये आपके लिए ले लो। हाँ। ये भैया फटेगी तो नहीं, पक्का ये ज्यादा 110 किलो तक उठा सकती है। ये एक ये ले लो इनके लिए। ये वाली चेयर कह रहा हूँ, ये वाली कैप ले ले, ये वाली अच्छी। इससे फायदा पता क्या होता है, मतलब तुम भीड़ में ना गर्दन नीचे करके घूमोगे ना, तुम्हें कोई पहचाने का नहीं। एक बात बोलो, गलत हो। क्यों अब एक बात बताओ, इतनी भीड़ में सिर्फ मैं और पायली लग रही है नजर में आ रहे हैं। कह रहा हूँ ले, ये ले लो, दो ले। कलर बताओ ये की, ये भी ले लो, ये ज्यादा अच्छी है। अच्छा सर कहाँ चले, सर कहाँ चले, दिखाना। क्यूट लग रहे हो, मेरे पे ये वाली अच्छी लग रही है। पायली काम कर ले, सुन मेरी बात, इतना हैवी टेम्परेचर वाली ना वो ले ले, सॉक्स कह रहे हैं। आपको पता है कुछ ना चीजें यहाँ पे ऐसी आती है, मुझे याद नहीं है, जैसे हीटर वाले ब्लैंकेट्स होते हैं ना, बाहर होते हैं वो, तूने नीतू का वाले ग्लव्स आपको फिट नहीं थे, आप ये पहन लो, ये पहन के देख लो प्लीज। सिर्फ स्टाइल के लिए थे ये वाले, ना प्रोटेक्शन देंगे, ट्राई करो एक बार पहनना, ऊपर तक बहुत ऊपर तक है, सही है ना, क्या दिक्कत है, घुटने तक आएगी। भाई जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ तो चाहे मुंह तक भी आ जाए, वो भी कम पड़े। ठीक है दो कलर ले ले, दो पैकेट देती हूं, बस चार बहुत है। दिखाइए भाई अच्छी लग रही है, ले लो। हाँ सबसे ज्यादा आपको पता है अगर कान में हवा जाती है ना सर दर्द होता है, मेरे को बहुत जरूरी है ये पट्टा, सुंदर लग रही है ना। हाँ। से ब्लैक ही ले लेना, 50 कलर थोड़ी होते हैं। नहीं बहुत बड़े नहीं है गुलू। तो पायल के लिए ना ऐसा मास्क लिया मैंने, और मैं सोचता हूँ अपनी टीम को भी इसी में रखूं, जब भी बाहर जाए सिर्फ आंखें आंखें दिखे उनकी। हाँ, क्योंकि हमारे टीम के हमारे साथ हमारी टीम को भी सफर करना पड़ता है कभी कभी ना। हम कहीं घूमने गए थे अभी, तो इतना ज्यादा परेशान हो गए, पजल हो गए थे, घूम ही नहीं पाए ढंग से, तो जब ये होगा ना हम अच्छे से घूम सकते। ये लेने बोलो, सही लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है दोनों के कपड़े पहनते ना, उन्हीं से पूछा करो। अभी गाइस पता क्या हुआ, मुझे पता नहीं था उन्होंने दी कैसे लंगे कपड़े नहीं पहने, जाने दिया मैंने किसी को, ऐसे बोल दिया नॉन को, एक्सक्यूज भी वो मुझे ऐसे कर दे। आंखों की कवर पूछ रही थी गोलू से। दिखाइयो ये बहुत जरूरी है पाली, ये बहुत ही जरूरी है, ये ले लो। क्योंकि ना कैरावैन में ना रात को मैं लाइट जला के सोऊंगा दी, जिससे क्या ना, और ना इनको मतलब कि सोते टाइम डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठीक अच्छा भी लग रहा है। और देखियो आज तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी ना मैट ले रहे हैं अंदर के ना, ये वाले जुगाड़ ले रहे हैं कल को सोने की दिक्कत ना हो। देखो रेन बैग, ये क्या होता है, बारिश होती है ना तो बारिश का बैग, अगर हम इसको अपना सामान डाल के चलेंगे ना तो बारिश इसमें जा नहीं पाएगी, तो बहुत जरूरी है हमारे फोन और कैमरों के लिए। बस स्पेस चेक कर लो, एक काम कर पाल, इसको पहन के देख, जरूरी है वो चेक कर, इसको पहन के तो देख कितना बड़ा होता है। एक्सक्यूज मी, तो पहले एक सफर करके देख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें की जरूरत है क्या की नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ एक हैट भी ले लेते हैं, कहीं बाहर बैठे तो ये अच्छा लगा मुझे, सही लगा। मैंने बैठ के देखी थी, मुझे डर लग रहा था, मैं थोड़ा वेट ज्यादा है ना, कभी गिर ना जाऊं। बोलो नहीं टूटती, ठीक है नहीं टूटती भाई, नहीं टूटती, कंफर्टेबल हूं, अच्छा कंफर्टेबल हूं मैं। ये कंफर्टेबल नहीं है, इसको एंटी बैठी वो कंफर्टेबल है। तो बस तकरीबन शॉपिंग तो हो गया हमारी, अभी देखते हैं, अभी कमी है थोड़ी बहुत चीजों की, अभी हमें समझ में नहीं आ रही क्या लेना। देखो हमारी मैं सोच रहा हूँ एक टूर कर लेते हैं और लिखते रहेंगे जो जो चाहिए होगा। ये हमारी पहली ट्रिप है ना, वैसे ही बात है ना, जो चीज सोचते हो आप वो हो जाता है ना, ये चीज इनमें है, जो भी सोचते हैं वो होता है। क्या लेंगे, पहले चद्दर, मैट है, वाटरप्रूफ मैट है बस, पिकनिक करने के लिए। तो अभी मैं इनके साथ खेल रही हूँ, और नहीं कह रहे मैं चीकू के साथ खेलूंगा, मैंने कहा एक काम करते हैं थोड़ा सा पहले खेल के देखते हैं। खेले दोबारा 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 दोबारा, अच्छा इससे छोटा मारना, मेरा ना पूरा कैमरा शेक कर रहा था पता है इससे। ओह ये मसाजर थोड़ी है, तो बहुत इससे तो जो ये मैंने जो लिया है मेरे कमर में करी। ओह भाई आवाज में भी वाइब्रेशन आ गई है, इतने गुनगुने कर रहे हैं बोल लग। ओह गो भाई 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 सही है ना, नहीं 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 मेरे को इसका ना मुंह ऐसे तुम सुनो पूरी बात तो सुनो। हाँ। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से दिला रही थी जो टोपा वोपा, इसकी पसंद ले रही थी, क्योंकि मुझे पता है ये लेगा गर्म नहीं होगा, अपनी मर्जी से गर्म दिलाया मैंने। खड़ी आई हो, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ भैया, तो ये ऐसे चल रहा सामने की क्लास स्कूल की लड़की आ रही होगी, देखो उसे देखती ऐसे आए।
तो अभी अभी भाई सीन होते होते बच गया क्योंकि ना गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, सूरज चला रहा था गाड़ी, मेरी गलती। और क्या, मैं आई मैंने देखा पूरा शीशा खुला हुआ है पूरा, और देखो गाड़ी में देखो सामान तो होता है सबकी, चार्जर वार्जर साथ ही था, ये पावर बैंक था इतना महंगा मारा। क्योंकि हमारे साथ आप भी जहाँ हम ट्रेवल करेंगे आप भी ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि देखो जब हम किसी को देखते हैं, जब हम मूवी देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है इस मूवी के अंदर हम इतना इंटरेस्ट आ जाता है, रोता है बंदा रोने के साथ, हंसता है हंसने के साथ। ऐसे ट्रेवल में हम जैसे घूमेंगे तो आपको लगेगा आप साथ में घूम रहे हो, तो एंजॉय करना। दादा बोला ये चीकू को बोल रहे दादा, मैं आई ना आती ना मेरे को सबसे पहले देखते ऐसे बोला दादा 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 बोलना आ गया आपको। अच्छा ये दादा भी बोलता है, तुपा भी बोलता है। अच्छा देती हां मिला दी। कपड़े कैसे लग रहे हैं मलिका जी, ये क्या कह रहे हैं, ये बुला रहे हैं ना, बात करने की कोशिश करता है अभी। मुझे लगा बहुत तेज आवाज आई थी, मैं तो चीकू बैठा के गई थी आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आना बेटी को, मेरे काका रो रहे हैं, आंसू आ गए। किसने मारा, किसने मारा, मुझे नाम बता एक बार, नाम बता उसको, मैं अभी बताता हूँ उसको, अभी मुर्गा बना देंगे अब, ठीक है। बताओ किसने मारा, कान में बता, मेरे कान में, इधर कान में बता। नहीं बेटा इसको नहीं बना सकता, वो तो मुझे खुद बना देती तेरी माँ, किसी माँ ने मारा है। सारे लोग पहुंच गए हैं बर्थडे पार्टी में और पार्टी होगी ऑल नाइट। और चीकू ने पहने आज नए कपड़े भाई बहन के साथ, ये वाओ चीकू नए कपड़े पहने हैं। हाँ इन्होंने न्यू पहने हैं, सबने न्यू कपड़े, न्यू सॉक्स तो नहीं पहने चीकू, थोड़ा डिफरेंट केक लाया है। वाओ बड़ा प्यारा लग रहा है, वेलकम बैक जेदू। चलो यहाँ पर होने वाला है महासंग्राम। करो तुबू पीछे कैसे रह रही है। हाँ तुबू, हाँ हाँ जय, तू खाओ बिट्टू, ओड़ी तुझको खिला रहे, सारे हाथ से खाएंगे के। हाँ जैसे गुजड़ू गुजड़ू कर रहे हैं सारे, भाई को खिला दो उसको, देखो ले खिला दे, ले तू जा ले, ज्यादा को ज्यादा मत खिला, थोड़ा बीमार था। चलो हाथ साफ कर लो, इसी के लिए मंगवा दे, साफ करो हाथ बस। मजा आया, एंजॉय किया आज आपने, बहुत रो रहे। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार बाय बाय, ध्यान रखो जाते जाते, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़ायद तो अभी भी टिक नहीं रहा, ज़ायद कह रहा है कि भाई मुझे खिलाना, देखो और मांग रहा है, करने दो ले, हां करने दो करने दो, अभी वो कर देंगे क्लीन कर देंगे, सुबह खा ले देखते हैं। कर लो यार भाई, ये भी एक स्पेशल मोमेंट है, जब भी बड़े होंगे तो देखा करेंगे। कह रहा थैंक यू पापा। हाँ क्या हुआ, कुछ ज्यादा एंजॉय कर लिया बस। चलो हाथ साफ करो बस। तुबा कुछ कर भी रही है कि नहीं, तुबा इसका तो एक बज गया गाइस बस।